प्रदेश विधान परिषद चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम तय हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य 7 जून को नामांकन कर सकते हैं। 6 जुलाई को यूपी विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिसके लिए 20 जून को चुनाव होना है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य और सोबरन सिंह यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। बाकी 2 नाम तय करने में पार्टी को सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। सपा की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी 1 सीट लेने के लिए दबाव बना रही है, तो वहीं कुछ और नेताओं से भी पार्टी वादा कर चुकी है। ऐसे में 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों पर सबसे ज्यादा खींचतान हो रही है। विधान परिषद की 13 सीटें 6 जुलाई को खाली हो रही है। इनमें 6 सीटें सपा, भाजपा और बसपा, 3-3 और कांग्रेस की 1 सीट शामिल है। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र 9 जून तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 10 जून को होगी। वहीं नाम वापस 13 जून तक लिए जा सकते हैं। वहीं 20 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। इस दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। एमएलसी की 1 सीट के लिए 29 विधायकों के मतों की जरूरत है। विधायकों की संख्या के अनुसार भाजपा गठबंधन 9 और सपा गठबंधन 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।